हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में बताऊंगा आप सभी को मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड चलाने के लिए, और कॉमन भाषा में बोले तो पबजी चलाने के लिए आपका कंप्यूटर में। दोस्तों मोबाइल का बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा दोस्तों, आपके कंप्यूटर में इसको चलाने के लिए आपका मिनिमम स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो है जिसके बारे में बताऊंगा मैं इस वीडियो में, वो है मिनिमम स्पेसिफिकेशन जो कि आपके कंप्यूटर में होना ही पड़ेगा ये गेम को बस रन करने के लिए दोस्तों। और ऑब्वियसली ये गारंटी मैं नहीं देता हूँ कि जो है अगर आपके पास यही सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, यानी कि जो है मिनिमम सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, इससे जो है आपका एकदम स्मूथली बिना कोई लैग बिना कोई प्रॉब्लम के गेम चल जाए। हाँ, ये गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि ये जो है अगर आपके पास है ये स्पेसिफिकेशन तो गेम रन तो करेगा आपका सिस्टम में। तो चलो दोस्तों बिना कुछ डिले करे इसको शुरू किया जाए। तो सबसे पहले आते हैं मिनिमम ओएस के बारे में दोस्तों। तो ओएस हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑब्वियस बात है अगर आपके पास 64 बिट का, जी हाँ दोस्तों, कोई कोई अभी भी 32 बिट का जमाने में जी रहा है दोस्तों, तो सिंपली अगर आपके पास 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तो सिंपली आपका गेम चलेगा नहीं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज 7 सपोर्ट करता है ये, ऑब्वियसली 8.1 और विंडोज 10 भी सपोर्ट कर लेता है ये बेझिझक बिना कोई प्रॉब्लम का। तो बस आपका सिस्टम में, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में, बस 32 बिट नहीं होना चाहिए, 64 बिट होना चाहिए, और बाकी तो ऑलमोस्ट एक्सपी को छोड़ के जो भी लेटेस्ट विंडोज आता है उसमें ये सपोर्ट कर लेना चाहिए दोस्तों। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को विंडोज 10 भरवा लेने अगर आपका केपेबल पीसी है तो, क्योंकि गेमिंग परफॉर्मेंस ना विंडोज 10 में काफ़ी अच्छा है, और लेटेस्ट अगर आप अपडेट करके रखते हैं ना विंडोज़ को तो काफ़ी एक बूस्ट भी मिलता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोसेसर का दोस्तों। तो प्रोसेसर में मिनिमम आपको कोर i3 चाहिए, और कोर i3 से लगभग ऑलमोस्ट लैग फ्री परफॉर्मेंस आपको मिल जाना चाहिए, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ कि आपको एकदम स्मूथ गेम प्ले मिल जाएगा दोस्तों। और ऑब्वियसली अगर आपको एकदम मिनिमम लैग फ्री गेम प्ले चाहिए तो आप बेझिझक i5 ले सकते हैं, i5 से तो ये दौड़ी जाएगा गेम, रुकेगा बिल्कुल नहीं दोस्तों। और AMD का बात कर लेते तो AMD FX6300 आपको मिनिमम प्रोसेसर चाहिए ये गेम रन करने के लिए दोस्तों। और मेमोरी का बात कर लेते तो 6GB रैम आपको मिनिमम है इस गेम को चलाने के लिए, प्रीफर करूंगा 6GB आप मत लीजिए, कम से कम 8GB बढ़ा लीजिए अगर आप नया PC बिल्ड कर रहे हैं तो, लेकिन अगर आपके पास पुराना कोई PC है तो 6GB से ये गेम चल तो जाना चाहिए बेसिकली। और मेन अभी हाईलाइट है ग्राफिक्स दोस्तों। तो क्या ग्राफिक्स कार्ड आपका कंप्यूटर में होना पड़ेगा ताकि जो है आप पबजी प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड चला पाए दोस्तों। तो मिनिमम जो आपको एनवीडिया का GeForce 660 2GB का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा एक लैग फ्री एक्सपीरियंस के लिए दोस्तों। या फिर अगर AMD का बात कर लेते तो AMD का रेडियन HD 7850, वो भी जो है 2GB GDDR मेमोरी के साथ होना पड़ेगा ताकि जो है आप ये गेम रन कर पाए दोस्तों। और साथ ही साथ जो है अगर आपके पास DirectX का वर्जन 11 है तभी जो है आप ये गेम चला पाएंगे दोस्तों। और स्टोरेज का बात कर लेते हैं, यानी जो आपका HDD या फिर SSD जहाँ पे भी आप ये गेम रखते हैं वो कितना होना चाहिए इस गेम के लिए, तो वो होना चाहिए ऑलमोस्ट 30GB के आसपास, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इससे ज़्यादा गेम रिक्वायर हो सकता है क्योंकि ये लगातार जो इसमें अपडेट्स आते रहता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा मिनिमम 50GB तो रख ही लीजिए साइड में ये गेम को अच्छे से चलाने के लिए दोस्तों। और यही था कुछ एक इजीली बोले तो सिस्टम सिंपल भाषा में मैं आपको बताया हूँ ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आपके पास ये सारा सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है साथ ही साथ एक इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि दोस्तों ये गेम जो है ऑनलाइन है सभी को मालूम है, लेकिन एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन का बहुत ही ज़रूरी है एक लैग फ्री एक्सपीरियंस के लिए। बहुत जन इसे इग्नोर कर देते हैं और PC असेंबल कर लेते हैं लेकिन लास्ट में उनका गेम लैग होता है और पता चलता है कि उनका एक ढंग का इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एक घटिया से इंटरनेट कनेक्शन में इस गेम को चलाते हैं जो कि हो गया बहुत ही हाई पिंग वाला इंटरनेट कनेक्शन, तो ऑब्वियसली आपका ये गेम जो है बहुत ही ज़्यादा लैग करने वाला है दोस्तों। तो इंस्टॉल साइज़ इसका कुछ ज़्यादा है नहीं, 13GB के आसपास है, लेकिन 30GB का इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है। तो जैसे कि मैंने बोल चुका हूँ बेसिक जो है मैंने जितना भी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स था बोल दिया हूँ इस वीडियो में, और रिकमेंडेड सेटिंग्स का अगर आप चाहते हैं तो मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ जिससे कि जो है आप अच्छे से लगभग 60-70 FPS 1080p में बढ़िया सा सिस्टम जो होता है ना बेसिकली रिक्वायरमेंट्स, वो अगर आप चाहते हैं तो उसका भी सेपरेट सा वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ दोस्तों। तो जरूर से कमेंट करके बताइए आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो वीडियो। और इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय बाय।